ये तो कोई नया तरीका है साइबेरियन को बुलाने का। ये देखो सुनो, देखो यही है बनारस की इज्जत। कभी ऐसे नहीं आए हैं टाइम पे वो भी, तो बनारस आने के बाद पक्षी भी लेट हो। अरे ये देखो कोई यहाँ लेटा हुआ था। अरे ये ऐसा तो नहीं निकल के भाग गया कोई इसमें से? तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज है संडे और हम हैं घाट पे, और अभी आपको दिखाते हैं अपने आ रहे हैं दादा उधर से, वो देखो वो आ रहे हैं दादा, और कुछ ही देर में आपको उसी सीधी सीधे आते हुए एक और बंदा और एक और राइडर आपको मिलेगा बहुत जल्द। और आज का प्लान है घाट का, घाट पे पहले तो पियेंगे चाय कॉफ़ी कुछ, और कुछ दिखाएंगे आपको यहाँ के सिनेमैटिक। तो इन्जॉय करो और कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। और दादा वहाँ देखो कैश कैश गिनते हुए, पैसा पैसा पैसा। तो दादा के देखो मुस्कुराहट, ठंडी है तो ज्यादा प्यास लगेगी नहीं। हैप्पी न्यू ईयर, तो एक साल बाद मिल रहे हैं हसन भैया दादा अपने उधर निकल लिए। दादा उधर निकल लिए, आइए। दादा के पास बहुत पैसा है, बहुत कैश दिखा रहे हैं। अरे बहुत नोट दिखा रहे हैं आज। तो ये देखो बर्ड्स, चिड़िया ही चिड़िया। कबूतर कबूतर कबूतर, इतने सारे कबूतर। दादा अपने इधर आते हुए, दादा डीएसएलआर लिए आज। एक साल बाद ड्रामे बाज इतना हो गए और झूठ। हसन भैया एक झूठ हमें भी पता चला किसी का, ये बताइए आपके लड़के की शादी हो गई है? आपके लड़के की शादी हुई है? तब दादा कैसे हुए पहले ये बताइए, देश जानना चाहता है, पहले देखिए असलियत। इतने साल से दादा है लेकिन अभी तो उनके बेटे की शादी नहीं हुई, अभी तो वो पढ़ रहा है, तब दादा कैसे बने ये बताएं, देश जानना चाहता है। तो दादा क्वेश्चन से भागते हुए देखिए, आप देख सकते हैं पानी की बोतल लेके भागे जा रहे हैं। तो आप जानना चाहते हो तो आप जरूर से कमेंट करें कि दादा दादा कैसे बने। लोकेशन पे आग सेकने का अलग ही मजा है। ये देखो, तो अब हम लोग जाएंगे बोट पे। क्यों दादा? हाथ वाला बोट। हाथ वाला बोट, हाथ से बनी हुई बोट की हाथ वाला बोट, हाथ को चलाने वाला बोट। तो ये देखिए, ये है बोट दादा की, दादा का। तो ये देखो, ये आ रही है नाव, तो इस पे होगी बोटिंग, नाव के ऊपर बोटिंग करके मजा आएगा ना। उस दिन गजब कर आइए, बोटिंग बोटिंग में घुमा दे नाव, नाव पर बोटिंग होगी गजब।
यहाँ दादा जाएंगे सबसे पहले। दादा वो होगा कि नहीं चिड़िया वाला? या हाँ तो दाना देंगे तब आएगा। नहीं नहीं आप के पास है? कहाँ हो? पहले खरीद गई। हाँ चिड़िया खिलाई। चिड़िया खिलाई? चिड़िया खिलाई। तो ये देखो यहाँ पे होगी शॉपिंग बोट पे। देखो वो जो नाव आ रही पीछे वो देगी सामान खिलाने का, जो कि हैं जो साइबेरियन पक्षी हैं बर्ड्स हैं उनके लिए। तो ये देखते हैं आज मजा आएगा ना हसन भैया बोट पे खिला के? क्यों दादा आएगा ना मजा? ये देखिए ये सब भुजिया ही जैसा कुछ है। कैसे है भाई? 100 का पैकेट है, 50 का पैकेट है, 10 का पैकेट है, ये 100 है, 50 है। पीछे में जी बात खुद ही आई थी यार। यही लिया जाए पैसा पैसा निकलेगा। कभी निकालना पैसा। देखिए इसका पैसा देंगे एडिट मत कीजिएगा। ये तो रहेगा जो पैसे वाली पार्टी होती है वो पैसा देती है। क्यों हसन भैया? हाँ भैया कुछ डिस्काउंट होगा? एक छोटा वाला फ्री में दे दो भाई डिस्काउंट में। धन्यवाद। ये देखो ये नया तरीका है साइबेरियन को बुलाने का। ये देखो सुनो देखो ये होता है बनारसी। उन सबको सिखा दिया गया है बनारसी लैंग्वेज। आ जाओ बे। क्यों दादा चलिए चलिए। हाँ अच्छा बहुत सोच रहे होंगे मैं साइबेरिया से आए हुए पक्षी बे हो गए हैं। देखो यही है बनारस की इज्जत। कभी ऐसे नहीं आए हैं टाइम पे वो भी। तो बनारस आने के बाद पक्षी भी लेट हो गए हैं है ना? मजा आ रहा है ना? वो परेशान नहीं है ना? सुबेरे सुबेरे दादा आज फोन गेम का 9 बजे पता कहाँ आएगा ठीक है? हम बस आ जाएंगे टाइम पे। हसन भैया तो बोल रहे हम बोले आराम से आएंगे। ये देखो आना शुरू। ये देखो इधर भी डालिए कहीं ना कहीं से सब आएंगे। तो ये देखो सब कोई चिल्ला रहा है। कल इतना ज्यादा ये लोग खा चुके होंगे कि थक गए होंगे पेट भर चुका होगा फिर भी ये आवाज से आ रही है बहुत अच्छा है। टेस्ट ये लोग की राइड है इतनी लंबी लॉन्ग राइड करके आते हैं लोग। बहुत बड़ी चीज है। हाँ आखिर हम लोग चाय पीने कहाँ कहाँ जाते हैं? दो दो एक साथ आता भी है। हाँ ये देखो हसन में एलर्जी है कि नहीं? तब ठीक है बहुत दिन बाद बुलाएंगे। कम ऑन दादा आपने पैसा खर्चा किया। तो दादा ने हम लोग को लगा दिया किनारे। ये देखो आ गए हम लोग किनारे और अब चलेंगे गंगा जी के उस पार।
हिमालय से लेके आ सकते हैं, राजघाट से भी आ सकते हैं, इधर रामनगर से भी आ सकते हैं। ये देखो ये है गंगा जी। अरे ये देखो कोई यहाँ लेटा हुआ था। ए ये ऐसा तो नहीं निकल के भाग गया कोई इसमें से? ये भी हो सकता है कोई अपने कवर से निकल के भाग गया। दादा क्या क्या होगा इस बार? गाड़ते भी हैं क्या? यहाँ बालू में लाके गाड़ते भी हैं क्या? नहीं तब हो सकता है दादा ने 31st मनाने निकले होंगे ये कबर में से। असल में ताबूत में ना ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का लाश आता ना, जो जैसे जो पैक होके डेड बॉडी आता है दूसरे जगह से, वो लोग नियम है उसको पैक करके ताबूत में। अच्छा।